दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लक्ष्मी के लिए ऋषि बोलते हुए नजर आने वाले हैं कि मैं इस लड़का के साथ में शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि विक्रांत इस लायक है नहीं। लेकिन दोस्तों, इस समय ऋषि की मॉम नीलम बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज में नजर आ रही हैं। नीलम और मलिष्का ये बोलती हुई नजर आ रही कि ऋषि को इस सगाई को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि ऋषि ये सगाई नहीं होने देगा, हमें शक है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय ऋषि किसी भी सूरत पर लक्ष्मी को और विक्रांत को एक नहीं होने देगा क्योंकि ऋषि को पता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ लगातार फरेब करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है और वो ऐसा बिल्कुल होने ही नहीं देगा। इस समय आप लोग जानते हैं ऋषि और आयुष दोनों एक हो चुके हैं। वहीं बात की जाए तो कहानी में वाकई में एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि ऋषि को पता है कि विक्रांत पहले से ही एक लड़की के साथ में बिल्कुल इंगेज्ड है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लक्ष्मी को धोखा देने के लिए वो बहुत बड़ी प्लानिंग रच रहा है। हालांकि दोस्तों, मलिष्का और ऋषि की मॉम नीलम की बात की जाए तो दोनों के दोनों इस समय खुश नजर आ रहे हैं कि चलो फाइनली लक्ष्मी को तड़पाने के लिए ये विक्रांत ही काफ़ी है, इसलिए विक्रांत के साथ में शादी करने को लेकर फोर्स करती हुई नजर आ रही हैं। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोगों के बीच में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति नज़र आ रही है। सब लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वाकई में सही नहीं हो रहा है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं हूँ रोहित नागर। जी हाँ दोस्तों, हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज कि जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों आने वाले एपिसोड में जहाँ ऋषि खोलेगा विक्रांत के एक ऐसी बोल कि जिसके बारे में सभी लोगों की आँखें फटी की फटी रहने वाली है। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी थैंक यू बोलती हुई नजर आने वाली है फाइनली ऋषि ओबेरॉय का। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें।